हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जिसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कंसीडर करते हैं कि आप अपनी ब्रांड न्यू कार में पेड़ के आगे खड़े हो। ठीक, यहाँ पे जो पेड़ है वो स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अब आपने अपनी कार स्टार्ट करी और चलना शुरू किया, तो फिर जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया होगा तो आपकी पोजीशन इस पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, और जब तक आप चलते रहोगे वो कंटिन्यूअसली इस पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। और जैसे ही आप कहीं पे रुक जाओगे तो आपकी जो पोजीशन है अब वो फर्दर चेंज नहीं होगी पेड़ के रिस्पेक्ट में, तो आप अब मोशन में नहीं रहोगे, तो अब आप रेस्ट में आ जाओगे या वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ठीक, तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चेंज हो रही हो तो उसी को हम मोशन कहते हैं। तो मोशन को और अच्छे से समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझें। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जो टोटल पाथ कवर करती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कंसीडर करते हैं कि आपको एक ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है और बीच में आपको बी और सी से होते हुए जाना है, तो ये जो आप टोटल पाथ कवर करोगे इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ए से बी जाओगे 5 किलोमीटर प्लस बी से सी जाओगे 10 किलोमीटर प्लस सी से डी जाओगे 10 किलोमीटर, तो जो टोटल पाथ कवर किया आपने वो हो गया 5 + 10 + 10। ठीक है, तो ये जो टोटल पाथ आपने कवर किया है इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा पाथ किसी बॉडी को कवर करना पड़ता है उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि आपको ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है। ठीक, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए से बी जाएं पहले, फिर बी से सी और सी से डी जाएं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ए से डी पॉइंट तक जाएं। ठीक, तो अगर हम देखें ए से डी डायरेक्टली जाने के लिए हमें 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर हम इनडायरेक्टली जाएं तो ए से बी 5 किलोमीटर, बी से सी 10 किलोमीटर और सी से फिर डी 10 किलोमीटर, यानी टोटल 5 + 10 + 10 = 25 किलोमीटर। तो ए से डी डायरेक्टली जाने में 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, और ए से डी तक जाने के लिए इनडायरेक्टली हमें 25 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। ए से डी डायरेक्टली जाने वाला जो पाथ है वो सबसे आसान है, यानी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो किसी भी बॉडी को उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ए से डी डायरेक्टली पाथ जा रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की। तो जो पहला डिफरेंस है इन दोनों में वो है डिस्टेंस जो होता है इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, तो डिस्टेंस वो पाथ है जो एक्चुअली कवर कर रही है एक बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट वो है जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखें अगर डिस्टेंस में, तो इट कैन नॉट बी जीरो बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इट कैन बी जीरो बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में जीरो हो सकता है। एग्जांपल के लिए ए से हम बी जाएं और बी से वापस ए आ जाएं, तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो अगला पॉइंट देखें अगर इनमें डिफरेंस का, तो जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक,
और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी वैल्यू होती है, साथ में उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या तो उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जनरली वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, सिर्फ उन केसेस में वो उसके इक्वल होगा जब हम स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे हो कहीं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर एक बॉडी हर बार उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एक एथलीट 5 मिनट में 500 मीटर कवर कर रहा है, तो हर 5 मिनट में अगर यही रिपीट हो रहा है कि वो हर 5 मिनट में 500 मीटर कवर कर रहा है, तो उसका जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमेशा हमें ऐसा ग्राफ बना हुआ नजर आएगा, ओरिजिन से वो लाइन निकलेगी और वो स्ट्रेट जारी होगी। जैसे यहाँ पे ओ एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक, तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर हर बार बराबर टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है अगर एक बॉडी, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर एक बॉडी पहले 5 मिनट में 10 मीटर्स कवर कर रही है, अगले 5 मिनट में वो 15 मीटर्स कवर कर रही है और अगले 5 मिनट में वो 25 मीटर्स कवर कर रही है, तो जो ऐसा मोशन होता है उस बॉडी का उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ जो है डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रही है बॉडी, तो इसलिए उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो एक बॉडी का अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाना हो तो उसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, एक ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही ग्राफ बनेगा। लेकिन पहले यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बन रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ओ ए जो थी वहां पे वो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये स्ट्रेट ना होके कर्व जैसी लाइन हो जाती है। तो आई होप जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।